please subscribe our channel. This news is sponsored by Prayas ITI Mehra. SK डेयरी फार्म BPO मेरा तहसील ज्वाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, यहाँ पर मिलने वाले दूध दही पनीर खोया मक्खन देसी घी में शुद्धता की पूरी गारंटी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोरोना की इस महामारी से जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं, उसको एक शॉर्ट मूवी के माध्यम से लोगों को उससे रूबरू कराने जा रहा हूं। यह एक शॉर्ट मूवी है जो मंडी की प्रोमिला देवी ने इस कोरोना काल में जो लोगों को परेशानियां हुई हैं, उसको एक शॉर्ट मूवी के जरिए लोगों तक पहुँचाकर एक मिसाल पैदा की है। प्रोमिला देवी ने बताया है कि इस मूवी का उद्देश्य है कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से काम रुक गए हैं और लोगों को बहुत सी हानियां हुई हैं और परेशानियां भी हुई हैं। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने आप को सुदृढ़ और परिपक्व बनाना होगा, तभी हम इस महामारी की वजह से जो परेशानियां हुई हैं उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। इस मूवी में हमने यह दिखाया है कि कोरोना काल में हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा है और हम कैसी परिस्थितियों का हल निकाल सकते हैं। अरे बेटा, वाओ, कितना सुंदर है हिमाचल। लंबे लंबे पेड़, खूबसूरत वादियाँ और ठंडी हवा। हमारे और दिल्ली चंडीगढ़ से तो काफी अच्छा है और आसमान भी काफी साफ सुथरा और अच्छा दिख रहा है। ये मौसी आई, मौसी आई। अरे रुको रुको मौसी, आपको तो पता ही ना कोरोना चला हुआ है, ऐसे टाइम पे गले नहीं मिलते हैं, दूर से नमस्ते करते हैं। नमस्ते मौसी जी। आजकल के बच्चे तो गले भी नहीं मिलते, नमस्ते। आओ मौसी, घर चलो। हाँ चलो। और अक्षिता, ठीक हो? हाँ जी मौसी, हम तो ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, घर में सब ठीक। आओ मौसी जी, बैठो यहाँ पे। हाँ हाँ बैठो। और सब ठीक जी मौसी? दिख नहीं रहा कोई। मम्मा तो खेत में, भैया अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हुए हैं खेलने के लिए। अच्छा अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ मौसी, बहुत अच्छी चल रही है। आप कैसे आए, बाय बस ट्रेन? मैं तो ट्रेन से आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ मौसी, आप तो बाय ट्रेन आए, तो आपने तो ना मास्क लगाया और ना ही ग्लव्स पहने हैं। अरे बेटा, वो बहुत गर्मी है ना, इसलिए कुछ नहीं पहना। ये लो मौसी पानी। रुको रुको रुको, आपने अपने हाथ धोए? बेटा मेरे हाथ तो साफ है, ये देखो। आपको पता होना चाहिए, आप बाहर से आए हो तो आपको कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। रुको, मैं आपके लिए हैंड सैनिटाइजर लेके आती हूँ। यहाँ आके तो पानी पीना भी मुश्किल हो गया है, पता नहीं क्या क्या सिखाएगी मुझे ये लड़की। लो मौसी अपने हैंड सैनिटाइजर। लाओ दो सैनिटाइजर। अब तो पी सकती हूँ ना मैं। हाँ मौसी लो। मौसी, आपको जरूर मेरी बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन ये सब कुछ ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ट्रेन में सफर करके आए, बाय ट्रेन आए, तो आपको मास्क लगा के रखना चाहिए था। अगर आप मास्क लगाते तो आप और भी ज्यादा सेफ होते, और आपको बार बार अपने पर्स में सैनिटाइजर रखना है और अपने आप को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। और साथ में आप ट्रेन में आए तो ट्रेन में तो बहुत भीड़ होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए। अरे बेटा, मास्क और सैनिटाइजर तो मेरे पर्स में भी है, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा कि हिमाचल जैसी जगह में थोड़ी ना कोरोना होगा। अरे नहीं नहीं मौसी, हिमाचल क्या, इंडिया क्या, इस कोरोना वायरस ने तो पूरे वर्ल्ड को जकड़ रखा हुआ है। अरे बहुत अच्छा तुमने मुझे ये सब बताया मौसी। ये बातें सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए। जब भी हम इमरजेंसी में घर से बाहर जाएं, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए, और साथ में मास्क लगा कर रखना है, और अपने पर्स में या पॉकेट में सैनिटाइजर जरूर रखना है, और अपने आप को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। नमस्कार, मैं देवी प्रिया वंशु, मैं ब्यूटीफुल न्यू हिमाचल स्टार्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और हमने और हमारी टीम ने एक शॉर्ट मूवी निकाली है जिसका नाम है कोरोना काल। तो कोरोना काल का मतलब
है कि जो इस कोरोना काल में जो जो मुसीबतें हमें आई है उन सब को दिखाने का हमने इसमें प्रयास किया है। और ये तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आने वाले समय में हम आप लोगों के बीच में इससे भी बेहतर कुछ लाना चाहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। तो इस मूवी के माध्यम से हमने बताया हुआ है कि कोरोना काल में हमें क्या क्या मुसीबतें आती है, और हमें इस मूवी का उद्देश्य है कि हमें अपने को परिपक्व बनाना है और मजबूत बनाना है कि हम आने वाले समय में कुछ भी ऐसी बीमारी आए या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें उससे कैसे निपटना है और हमें कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, दिमागी रूप से स्ट्रांग बनाना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।